आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भाजपा के युवा सम्मेलन में जा रहे कार्यकर्ताओं ने उत्तेजित होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गाली बक फेसबुक पर लाइव चलाया। इसमें सपाइयों ने आक्रोश हुआ। जिला अध्यक्ष कलीम खान के नेतृत्व में सपाइयों ने कोतवाली आकर अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार को शिकायती पत्र देते हुए मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। वहीं जिला अध्यक्ष ने बताया कि ये भाजपा के कुछ लोग हैं जो अपनी हार से बौखला रहे हैं, तभी इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर संविधान के अनुसार इन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। कन्नौज जिला संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी को कल गाली दिया है बीजेपी के लोगों ने, उसके खिलाफ FIR लिखवाने आए हैं। और अगर FIR हमारी कानून के हिसाब से लिखी जाती तो ठीक है, अगर नहीं लिखते हैं तो अब हम लोग जो है रोड भी जाम करेंगे। हर तरीके से जो संविधान के अनुसार जो हम लोग प्रदर्शन करेंगे वो करेंगे। कौन है ये, किस तरीके गाली देता है, कैसे जानकारी के लोग हैं? खासकर इन लोगों को जो है एक अलग तरीके से लोगों को गाली देने का काम, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाली देने का काम, मुस्लिम समाज को गाली देने का काम, ब्राह्मण समाज को गाली देने का काम, अलग अलग लोगों को चिन्हित करके इन लोगों ने अलग से रखा हुआ है कि आप इनको गाली देंगे, आप इनको गाली देंगे, आप इनको गाली देंगे। तो इस तरीके से गाली देने की एक प्रथा बना रखी है। ये झूठे लोग हैं, काम करा नहीं, आज जनता इनके साथ में नहीं है, तो ये जो है बौखला गए हैं, पागल हो गए हैं ये सबके। कैसे जानकारी हुई आपको गाली के बारे में? नहीं, हमारे पास वीडियो है, वीडियो है हमारे पास में, और फेसबुक पे डाला है उन्होंने और लाइव चला है वो। पुलिस अधिकारियों से क्या आश्वासन मिला? नहीं, अपर साहब मिले हुए हैं, अपर साहब को मैंने अपना एप्लीकेशन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तत्काल मुकदमा लिखूंगा, तो अभी मुकदमा लिखा जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे तेजस 24 न्यूज़।